हेलो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल्स एंड बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियो को लाइक्स और शेयर करना ना भूलें। हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू एम मैथ्स 12 पे आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, GCD एंड LCM ओवर ZI, तो हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर दो दिए हैं, उनके ZI मतलब हम GCD कैसे फाइंड आउट करेंगे, LCM कैसे फाइंड आउट करेंगे, उन्हीं को हम यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मेरा जो 15 नवंबर का ऑनलाइन क्लास हुआ था उसमें मैंने इस तरह के क्वेश्चंस को पूछे था और बहुत सारे लोगों ने कहा था कि इसके सॉल्यूशंस को कैसे हम करेंगे, तो उसी पे हम बात करेंगे और कुछ एक दो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करेंगे। और एक क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी दूंगा, आप उसको ट्राई करिएगा इस मेथड से और GCD मुझे ज़रूर बताइएगा, LCM जो भी बताइएगा कि क्या होगा उस क्वेश्चन का आंसर। तो बहुत ही बेस्ट एंड फंडामेंटल अंदर थिंग्स। मेरी ऑनलाइन क्लास नहीं हो पा रही है क्योंकि मैंने अभी विंडो अपना अपडेट किया था, तो मेरा जो OBS सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू मैं ऑनलाइन क्लासेस करता था या वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, वो क्रैश हो चुका है। तो अभी क्रैश हो गया, इसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मैं उसको जल्दी ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ठीक हो जाए, फिर ऑनलाइन क्लासेस अपने कंटिन्यू करेंगे जल्द से जल्द जितनी हो सके। तो आइए इसके सोल्यूशन में फंडामेंटल बात करें। अगर आपको ये पसंद आया, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ आप लाइक्स और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा वीडियोज़ को। आइए फंडामेंटल समझते हैं। फाइंड द GCD ऑफ दिस इज 10 + 11i एंड 8 + 8 + i ओवर ZI। ये हमें यहाँ पर क्वेश्चंस को करना है। तो सिंपल, व्हाट इज द प्रोसेस, वर्किंग रूल जो है उसी के थ्रू हम बात करेंगे एक एक करके। सिंपल, इन दोनों को लेना है हमें, पहले इन दोनों पे बात करनी है। तो हम इनका डिवीजन फाइंड आउट करेंगे। सिंपल, 10 + 11i डिवाइडेड बाई 8 + i इज इक्वल टू। अब आपको पता है फ्रेंड कि इसको हम रेशनलाइज कैसे करते हैं। सिंपल, आपको रेशनलाइज करना है यहाँ पे, मतलब इसके कॉन्जुगेट से अंश और हर में मल्टीप्लाई कर देना है। 8 - i कर दीजिए और डिनोमेटर में 8 + i और 8 - i। ठीक, अब न्यूमरेटर का वर्क कर ले हम, तो मल्टीपल कर दीजिए, ठीक है, 10 और 8 80। इसका इसमें उड़ा कर दीजिए फिर से, -10i। इस 11 का कर देंगे +88i एंड 88i और फिर -11i² डिवाइडेड बाय 64 - i² और i स्क्वायर आप जानते हो, दिस इज द i स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1। तो पुट दिस और ये दोनों ज्वाइन हो जाएंगे। सिंपल, तो यहाँ पे हो जाएगा 91 + 78i अपॉन 65। ठीक, अब देखिए डिवीजन हो गया 91 / 65 + 70 / 65i। और ये डिविजिबल किससे है आपको पता है, जैसे दिख रहा है इस 13 से डिविजिबल है, 7, 5, 6, 5। सो इट कैन बी रिटन एज 7/5 + 6/5i, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है। तो थोड़ा सा और इसको मॉडिफाई करेंगे हम, 2 + ठीक है, ये 5, 1 + 2/5 and + 1 + 1/5i। ठीक, एंड एडजस्टमेंट पॉजिटिव 1 + i एंड प्लस, प्रोसेस समझिएगा, 2/5 + 1/5i एंड लेफ्ट में 10 + 11i / 8 + i। ये हो गया। अब इसका इसमें हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए और देखिए क्या मिलता है। तो 10 + 11i इज इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई 1 + i और 8 + i प्लस 2/5 + 1/5i एंड प्लस इनटू 8 + i एंड 1 + i, ध्यान रखिएगा 8 + i एंड प्लस। अब जैसे इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलता है 3 + 2i। इसको मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, जैसे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3 + 2i मिल जाएगा। तो इस मेथड को ध्यान में रखना है, 16 हो जाएगा, 16/5 और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 मिल जाएगा, -1/5, 15/5 3 मिल जाएगा। फिर इसका इसमें गुणा कर दीजिए आप, 8/5 और फिर इसका इसमें होगा तो 10, तो 10 मतलब टोटल 10/5, 3 + 2i मिल गया 10 + 11i की वैल्यू। अब ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर जो हमारा वर्क है,
ये जो हमारा B है ये R है, तो यहाँ पे हम dr निकालते हैं। ये जो वर्क है dr लेस देन db होना चाहिए। db का मतलब जो यहाँ पे हमने इसको डिवाइड किया है सिंपल सा, वो वर्क हमारा होना चाहिए। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, मान लीजिए अगर r इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है तो dr की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जनरल फंडामेंटल टास्क हमारा यहाँ पे कंप्लीट होगा। तो यहाँ पे चेकआउट कर लिए, इस रूल को अगर फॉलो करता है फिर आगे वाले स्टेप पे हम आ जाएंगे। तो d 3 प्लस 2i लेस देन d 8 प्लस i, तो चेक करिए ये कितना होगा, 9 प्लस 4 13 लेस देन 65, दैट इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये मिल गया हमें 13। तो ये है मतलब आगे का जो प्रोसीजर है अब यहाँ से स्टार्ट होगा। इट मीन्स कहने का अब b बाई आर हम फाइंड करेंगे। अभी तक हम a और b मानते थे, सपोज मान लो जी a है ये b है तो a बाई बी, अब नेक्स्ट होगा b बाई आर, आगे का प्रोसीजर यहां से स्टार्ट होगा। इट मीन्स 8 प्लस आई डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2i, यहां से वर्कआउट स्टार्ट करेंगे हम। अब देखते हैं क्या प्रोसीजर हमें मिलता है आगे का, फिर से वही वर्क करना है आपको, 3 माइनस 2i अपॉन 3 प्लस 2i 3 माइनस 2i, ये हमें यहाँ से फंडामेंटल इसके लिए वर्क स्टार्ट करना है। तो वर्कआउट मल्टीपल 24, ठीक है 8 थ्री जा 24 हो गया, माइनस 16i हो गया, 8 टू जा प्लस 3i हो गया, और फिर इसका कर देंगे माइनस 2i स्क्वायर डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4i स्क्वायर। ठीक, अब आइए देखिए ये कितना होगा, 24 और ये जुड़ जाएगा 26 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ लीजिए, और ये 3 और 16 तो कितना हो जाएगा 13 माइनस 13i अपॉन 13, सो 2 माइनस i मिल गया। यहाँ पे आपका है 8 प्लस i अपॉन 3 प्लस 2i, सिंपल क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, 8 प्लस i इज इक्वल टू 2 माइनस i और 3 प्लस 2i, और यहाँ पे जो रिमाइंडर r है जीरो हो गया। इट मीन्स ये डिवीजन वाला मेथड हो गया यहाँ पर, तो ये हमें कॉमन मिल गया। तो इट मीन्स GCD 3 प्लस 2i इज GCD ऑफ आपका 10 प्लस 11i एंड 8 प्लस i, ये GCD मिल जाएगा इस मेथड से हमारा। ये GCD हमने फाइंड आउट कर लिया, ये एक नया अलग से हमारा टेक्निक हो गया GCD फाइंड करने का। अगर मान लीजिए यहाँ पे रिमाइंडर फिर से कुछ यहाँ पे मिल जाता तो हम फिर क्या करते, इस वाले पर से अब 3 प्लस 2i को जो R है मिला है ना, 3 प्लस 2i को फिर अगले डिवाइड करते और सब में देखते जो कॉमन लास्ट में जो हमें मिल जाता उसी को हम कहते दैट इज़ द वर्कआउट। ठीक है, तो ये एक फंडामेंटल है वर्कआउट, इसको हमें यहाँ पे करना है। ठीक है, नेक्स्ट थिंग अब आते हैं अगले सेक्शन पे हमारा LCM, इसमें एक और पार्ट है LCM भी फाइंड करना है। तो आप हम फार्मूला एक जानते हैं कि GCD इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स A क्रॉस ऑफ B, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। तो LCM हमें चाहिए, तो A और B हमें पता है, A हमारा क्या है यहाँ पे 10 प्लस 11i एंड 8 प्लस i और डिवाइडेड बाय आपका 3 प्लस 2i। अब इसी को हमें सिंप्लीफाई करना है, तो मैं फाइनली रिजल्ट लिख दे रहा हूँ, आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये आ जाएगा 31 प्लस 12i, सिंप्लीफाई करना है तो 31 प्लस 12i आ जाएगा। ये बेसिक हमारा जो 12th लेवल में हम 10th लेवल में छोटा सा फार्मूला पढ़ते थे GCD LCM और प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, उसका यूज करके हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये मिल जाएगा हमें 31 प्लस 12i। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, हमारा जो है दूसरा वाला सेक्शन। तो आई थिंक आपको ये प्रोसीजर समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे इसको करना है, GCD और LCM को कैसे फाइंड आउट करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात कर लें थोड़ा। सो
गो फॉर द क्वेश्चन नंबर टू इज इंपॉर्टेंट अगेन हियर. कह रहा है कि a इक्वल टू 3 प्लस 2i, b इक्वल टू 1 प्लस 3i बिलोंग्स टू जेड आई. सो पी आर बिलोंग्स टू जेड आई एंड सच दैट a बिलोंग्स टू बी क्यू प्लस आर. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड r की वैल्यू बतानी है आपको. डी आर और डी बी लेस देन. ठीक है, तो आइए देखते हैं. ये दिखा हुआ मतलब a, मतलब ये हमारा है a अपॉन b. क्वेश्चन नंबर टू, तो a अपॉन b 3 प्लस 2i डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3i. अब इसी को मॉडिफाई करिए. 3 प्लस 2i 1 माइनस 3i से मल्टीपल कर दीजिए. 1 माइनस प्लस 3i 1 माइनस 3i. ठीक, देखिए तो ये अब इसका मल्टीपल 3 माइनस 9i प्लस 2i माइनस 6i स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 9i स्क्वायर. ठीक, 9i स्क्वायर हमें यहाँ से मिल जाएगा. तो देखिए अब ये दोनों जुड़ेंगे कितना हो जाएगा 9 प्लस माइनस 7i डिवाइडेड बाई 9 एक 10. तो ये मिल गया 9 बाई 10 माइनस 7 अपॉन 10 i. ये किल क्या मिल गया हमारा, सिंपल 3 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 3i. ये हमें एक फंडामेंटल टास्क यहाँ से मिल गया. मैं क्वेश्चन एक बार चेक कर लूँ तो आपको दिक्कत नहीं होगी. सॉरी 3 प्लस 5i है यहाँ पे. और मैंने क्या GCD ऑफ, ठीक है यहाँ पे ओके 9 7. ठीक ओके चलेगा. ये देखिए अब ये मिल गया हमें एक. देखिए ये जैसे कर लिया हमने तो ये मिल गया. इसको थोड़ा सा और अब मॉडिफिकेशन करते हैं, हम यूनिट के सेंस में इसको लाने का प्रयास करते हैं. तो देखिए ये इसको हम ले सकते हैं 1 अपॉन 10. इसको इस तरह से लिखा जा सकता है माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस आई प्लस 3i अपॉन 10 लिख सकते हैं इसको हम. हो सकता है मॉड यूनिट में चेंज करिए यूनिट के एलिमेंट्स जो होते हैं, क्योंकि जो जेड आई के एलिमेंट्स एक तरह से होता है प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस आई यूनिट आप कह सकते हो, उसके एलिमेंट की बात होती है. तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस आई आ जाएगा अगर इन दोनों को एक साथ ले लें हम. और इसकी वैल्यू जब हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस 1 बाई 10 प्लस 3i अपॉन 10. ठीक, दिस इज 3 प्लस 2i अपॉन 1 प्लस 3i. ये वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी. एक बेसिक जो रिजल्ट है हमें यहाँ से फाइंड आउट होगा. आगे का जो फंडामेंटल होगा अब इसका मल्टीपल, तो 3 प्लस 2i बराबर 1 माइनस आई और 1 प्लस 3i प्लस माइनस 1 बाई 10 प्लस 3i अपॉन 10 और 1 प्लस 3i. अब सिंप्लीफाई करिए 1 माइनस आई 1 प्लस 3i. ठीक, प्लस इसका मल्टीपल माइनस 1 बाई 10 ठीक माइनस 3i अपॉन 10 प्लस 3i अपॉन 10 और माइनस प्लस 9i स्क्वायर अपॉन 10. ठीक, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए. अब बचा क्या, माइनस 1 सिर्फ बचेगा यहाँ पे. माइनस 1 हो गया मतलब 1 माइनस आई 1 प्लस 3i और प्लस माइनस 1 3 प्लस 2i. ये रिजल्ट जैसे मिला अब देखिए दिस इज द ए इज इक्वल टू यहाँ पे जो सीक्वेंस है हमारा बी क्यू. तो बी हमारा ये है क्यू है मतलब बी क्यू, ये बी रहा ये क्यू रहा और प्लस आर डी आर. तो डी आर मतलब डी ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 1 डी बी डी 1 प्लस 3i इज इक्वल टू 10. तो ऑब्वियसली बात है 1 लेस देन 10 है तो डी आर लेस देन डी बी ये हो जाएगा. तो अब जो हमें वैल्यू चाहिए p की वैल्यू, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p, जो ये हमारा है सॉरी यहाँ पे p चाहिए ना हमें, दैट इज द p पी आर. तो यहाँ पे p p है यहाँ पे
ठीक है क्वेश्चंस में देख लूँ, ठीक है बी क्यू, तो बी क्यू एंड फिर क्यू है, ओके यहाँ पे क्यू ही था, यहाँ पे क्यू है, ठीक है ए क्यू, तो ठीक है अभी तो क्यू इज इक्वल टू इज व्हाट, ए क्यू है तो क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस आई, और जो हमारा आर है आर इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वन। तो ये एक बेसिक रिजल्ट हमारा इस तरह से मिल जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे जब हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की, तो फंडामेंटली ट्राई करिए और बताइए कि व्हाट इज द जीसीडी ऑफ दिस, जो हमने प्रिसिला मेथड बताया था फर्स्ट वाला उसी तरह करना है। इसमें आप इस तरह से फॉलो करिएगा 3 + 5y / 2 करके, फिर आगे के सिस्टमेटिक फॉलो करने का एक प्रयास करिए जिससे कि ये रिजल्ट बेटर मिल सकता हो।